वर्सल न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर एक ऐतिहासिक, एक ऐसी नगरी है, एक ऐसा शहर है, सारे दुनिया में यहां का नाम बहुत ही लिया जाता है और यहां पर क्या चलता है हमने आपको बहुत सारे रिपोर्ट में तो बता चुके हैं, मगर यहां पर मंदिर अक्षी कहते हैं ऐतिहासिक। यहां पर एक गेट द्वार है, यहां पर राजा महाराजाओं के सिपाही हो या कोई भी हो, यहां पर सुरक्षित एक दरवाजा कहते हैं, उसे मंदिर अक्षी का नाम कहा जाता है। अब तो ये दरवाजे के यहां पर आसपास कई सालों से यहां पर काम चल रहा है, रोड और यहां पर ड्रेनेज, ना जाने कुछ काम पे टेंडर वालों को तो अधिकारी दे देते हैं, मगर उनका कर्तव्य कैसा है इसी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। हमारे वास्तव न्यूज के रिपोर्टर को एक खबर लग गई, ताकि यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया, तो 2 से 3 घंटे तक इतना ट्रैफिक जाम होता है, लोग न के जनता जो घूमने वाले हैं इतने परेशान होते हैं, ताकि गाड़ियों पर बैठ कर ही गाली और बददुआ देने लगते हैं अधिकारियों को। पहले तो यहां पर सिग्नल भी बना हुआ है, जो सिग्नल इसलिए ताकि यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया तो 2 से 3 घंटे तक ट्रैफिक तो हटता नहीं है, इसीलिए यहां पर सिग्नल बनाया हुआ है, मगर यहां पर एक संचारी पुलिस का भी कर्तव्य निभाने के लिए ड्यूटी डाल देते थे, मगर अब यहां पर संचारी पुलिस बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। यहां पर घंटा भर भी 4 से 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम होता है, मगर यहां की जो जनता है वो खुद अपने ही जो इतने ईमानदारी से, इतने इंसानियत से यहां पर रोकते हैं और गुजर जाते हैं, ये भी नहीं कहते ताकि यहां पर संचारी पुलिस रहता था अब कहां है। दूसरी बात यह है, यहां पर आकर जो टेंडरदार आते हैं खड्डा वगैरह खोद कर चले जाते हैं, मगर महीनों भर यहां पर आते भी नहीं है। अब यहां पर अधिकारी कितनी अच्छी कर्तव्य निभाते हैं यही एक वीडियो आपको सबूत है। अब कितने घंटे भर यहां पर रुका हुआ है हम साथ साथ इस स्क्रीन पर जो वीडियो आपको बता रहे हैं, 3 घंटे हो गए यहां पर इस ट्रैफिक जाम होकर, ना कोई अधिकारी है, ना संचारी पुलिस वाले हैं, ना संचारी पीएसआई है, ना संचारी सीपीआई है, ना कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है, सिर्फ ये लोग यहां पर लड़ रहे हैं ताकि इधर से जाए या इधर से जाए या फिर क्या यहां पर ही सो जाए। अब यही सोच रहे हैं और यही दिक्कत है लोगों को, ताकि कितनी लापरवाही है यहां के अधिकारियों की। अब तो यहां पर किसी ने टेंडर दे दिया हो, कैसे पागल को दे दिया होगा ये टेंडर, कब काम करना है, कितने बजे काम करना है, किस वक्त काम करना है, इसका तो टाइम टेबल या कुछ भी नहीं है। इनको मन में जब चाहे करो, जब चाहे छोड़ दो, और विजयपुर के शहर के लोग तो कुछ पूछते ही नहीं है, चाहे जब चाहे हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां पर ये तो साफ सुथरा अधिकारियों को मालूम है, तो यहां के विजयपुर के शहर के लोग आवाज उठाते ही नहीं है। तो अब तो बड़ी किस्मत की बात यह है कि बीजेपी सरकार थी जब बसनगौड़ा पाटिल अखनाल ने विजयपुर शहर के हर गली गली चौराहे के रोड तो अच्छी बनाए, मगर उसके बाद नतीजा ये हो रहा है यहां पर ताकि बनाए हुए रोड फिर से बिगड़ रहा है, फिर से चेंबर डेली फिर थूटे फूटे उसी तरह होने लग गए। अब इस रोड पर इतनी ट्रैफिक जाम हो गई, अब तो PWD के अधिकारी तो दिए होंगे टेंडर या नेता होंगे या तो कुछ कमीशन दिए होंगे लिए होंगे, मगर देना लेना तो ये बात है, मगर जनता के लिए जरा सोचिए, जब जनता का जो पैसा खाते हैं, जब जनता की सेवा करने आते हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए, ताकि काम भी वैसा करना चाहिए, कर्तव्य भी वैसा ही निभाना चाहिए। सिर्फ पैसा पैसा लेकर BP शुगर ना जाने कैसे कैसे बीमारियां अधिकारियों को हो रहे हैं, ताकि इसीलिए इतनी जनता यहां पर खड़ी हुई है, ऐसे ही लोगों की बददुआ से अधिकारियों को ना जाने तरह तरह की बीमारियां हो जा रहे हैं। तो अब ऐसा हो गया है जितना भी पैसा लेते हैं उतना हॉस्पिटल को ही डालते रहते हैं अधिकारी, मगर कुछ ना कुछ इनको दिक्कत रहती है, मगर सबसे पहले जनता की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे उसी तरह रहता है। मगर यहां पर मंदिर अक्षी में हर दिन हर वक्त यहां पर ट्रैफिक जाम इसी तरह होता रहता है, आखिर क्यों, इतना फास्ट होना काम था मगर अब नहीं हो पा रहा, लापरवाही इतना हो गया है, संबंधित अधिकारी जो भी टेंडरदार है
यहाँ पर जो भी हो उन पर कानून कार्रवाई करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं, सब दिले भगत लोग हैं, इसीलिए इस देश का हाल इस तरह हो रहा है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।